हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। माय नेम इज अपनीश कुमार। वेलकम टू ऑल टू ज्ञानपीठ लर्निंग सेंटर। मैं अपनीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ लर्निंग सेंटर में। देखिए बच्चों, ऐसा है जो राउंड थर्ड है उसका रिजल्ट आ चुका है। आप सभी लोग जानते हैं रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पे एक्सेप्ट रिकंसिडर करने की जो डेट थी वो 2 तारीख तक थी, वो भी निकल गई, आज 3 तारीख हो गई है। तो यहाँ से आज से जो है मेडिकल और तुम्हारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट जो है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम मेडिकल कमेंसमेंट, ये स्टार्ट हो चुका है। मतलब वो बच्चे जिनको सैनिक स्कूल अलोकेट हो गया है तो उनका जो मेडिकल कमेंसमेंट है वो स्टार्ट हो चुका है। आपको ये बात बता दी जाएगी थ्रू ईमेल कि आपका मेडिकल कहाँ पे होना है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट है कि स्कूल वाइज कट ऑफ के बारे में हमने आपको बताया था कि जो स्कूल वाइज कट ऑफ है, स्कूल वाइज कट ऑफ, स्कूल वाइज बेटा जो कट ऑफ है इसको देखना बहुत जरूरी है। स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसीज को देखना बहुत जरूरी है। स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसीज, फील्ड वैकेंसीज, स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसीज को देखना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे सीट मैट्रिक्स को तो हम लोग देखेंगे ही, सीट मैट्रिक्स को बेटा हम लोग देखेंगे ही और इसको गहराई के साथ में हम आपको बताएंगे भी कि सीट मैट्रिक्स के हिसाब से किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज बची है किस सैनिक स्कूल में। तो इन सभी मुद्दों पे तो हम लोग चर्चा करेंगे ही। यहाँ पे जो आज हम यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट बात है, जो काफी क्रूशियल बात है, वो ये है कि स्कूल वाइज जो कट ऑफ है ये हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आपको देखना है स्कूल वाइज कट ऑफ को, आपको किस तरीके से देखना है। चलो यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। देखिये बच्चों, ऐसा है यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखिए इस तरीके से ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसिलिंग का जो पोर्टल है इस पे आप लोग आ जाइए और यहाँ आने के बाद में ये जो है स्कूल इंफॉर्मेशन वाला ऑप्शन, इसको क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, सीट मैट्रिक्स, स्कूल इंफॉर्मेशन, स्कूल वाइज कट ऑफ आपको मिलता है। इसको जब क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करने के बाद में देखिए ऐसा है, स्कूल वाइज कट ऑफ को जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये विंडो खुल जाएगी और यहाँ पे स्टूडेंट क्लास 6 चूज कर लीजिए। क्लास 6 के लिए अगर देखना है, क्लास 9 को चूज कर लीजिए। अगर क्लास 9 के लिए देखना है तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, राउंड 3 आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए क्योंकि राउंड 3 का हमको कट ऑफ देखना है। राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड, ये अब राउंड फोर्थ में काम आना नहीं है, तो राउंड थर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे सैनिक स्कूल, सैनिक स्कूल यहाँ पे चूज कर लीजिए। सैनिक स्कूल चूज करने के बाद में स्टूडेंट अदर स्टेट में आपको देखना है या होम स्टेट में देखना है तो यहाँ पे आप अदर स्टेट में अगर देखना चाहें तो यहाँ पे अदर स्टेट कर लेंगे। होम स्टेट में देखना है तो होम स्टेट में देखेंगे। इस तरीके से यहाँ पे कर देंगे सर्च, प्लीज सेलेक्ट स्कूल नेम, स्कूल का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले सैनिक स्कूल नगरोटा जो कि सबसे ऊपर आपको मिलेगा, इसको यहाँ पे सर्च कर दीजिए। सर्च करने के बाद में देखिए इस तरीके से आपके सामने स्कूल वाइज कट ऑफ आ जाएगा, अदर स्टेट में यहाँ पे कितना कट ऑफ रहा है सैनिक स्कूल नगरोटा में, तो ये सामने आपके आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट, सैनिक स्कूल नगरोटा की बात करें तो बॉयज का कट ऑफ देखिए, अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी का बच्चे का जो कट ऑफ है वो 269 है। यहाँ पे देखिए बिहार का ये बच्चा है, 269 नंबर लाके इसका सैनिक स्कूल नगरोटा में सिलेक्शन हो गया है। यहीं पे स्टूडेंट अदर डिफेंस में देखिए 260 कट ऑफ है और यहीं पे आप यहाँ पे देखेंगे अदर ओबीसी में 257 है, 257 नंबर लाके भी अदर ओबीसी में यहाँ पे नगरोटा में बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। ये बच्चा राजस्थान का है, 257 नंबर लाके इसका अदर स्टेट नगरोटा में हो गया। यहीं पे उत्तराखंड बेटा अदर अनरिजर्व यानी ये उत्तराखंड का बच्चा है जो भी जनरल कैटेगरी से है, 265 नंबर लाके इसका सिलेक्शन हो गया है सैनिक स्कूल नगरोटा में। यहीं पे ये बिहार का बच्चा था, 269 नंबर लाके इसका सिलेक्शन हुआ। बिहार वाले का ज्यादा क्यों है, यहीं पे जनरल कैटेगरी उत्तराखंड का बच्चा है जो कि 265 लाके यहाँ पे सैनिक स्कूल में इसका हो गया, लेकिन जो बिहार का बच्चा है इसके नंबर आप यहाँ पे देखिए 269 है, क्योंकि बिहार का जो कॉम्पिटिशन है वो बिहार के बच्चे से ही होगा, किसी बिहारी बच्चे का जो कंपटीशन है वो बिहार के बच्चे से ही होगा, तो ये पॉइंट यहाँ पे जानिए, इसीलिए बेटा यहाँ पे ज्यादा कट ऑफ है। और इसके बाद में उत्तर प्रदेश ओबीसी का बच्चा 260 नंबर लाके इसको सैनिक स्कूल नगरोटा मिल गया। इसी तरीके से आप जो है इसको स्क्रॉल करेंगे तो पूरा डेटा आपको मिल जाएगा। अदर स्टेट में ये कट ऑफ रहा, यही सैनिक स्कूल जो नगरोटा है इसका होम स्टेट में कितना रहा, तो यहाँ पे इस तरीके से जाइए, होम स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए, सर्च कर दीजिए, होम स्टेट का डेटा आपके सामने आ जाएगा। सैनिक स्कूल नगरोटा होम स्टेट एससी कैटेगरी में 235 नंबर बच्चा लाके सिलेक्ट हो गया। यहीं पे देखिए होम स्टेट डिफेंस कैटेगरी में 243 नंबर लाके बच्चा सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे देखिए जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख होम स्टेट एसटी, जम्मू इसके जो भाई जम्मू कश्मीर जो है जो लद्दाख है वो यूटी है, तो यहाँ लद्दाख देखिए क्या लिखा, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख
जो होम इस समय जम्मू कश्मीर जो स्टेट है वो भी तो यूटी बना हुआ है, अभी फुल स्टेट का दर्जा दिया नहीं। तो यहाँ पे देखो 218 नंबर लाके बच्चे का सिलेक्शन हो गया। यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी का जो बच्चा है जम्मू कश्मीर का उसका 252 नंबर लाके यानी जनरल का बच्चा यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है। इस तरीके से होम स्टेट अदर स्टेट में आपको देखना है कि कहाँ पे कितना कट ऑफ रहा है। आप सिर्फ अपनी कैटेगरी को देखेंगे, एक ब्लैंक पेपर ले लीजिए, अपनी कैटेगरी का नाम लिखिए और यहाँ पे देखिए कि अदर स्टेट में कितनी वहां पर क्या कट ऑफ रहा है। जहां के आप डोमिसाइल हैं तो अपने होम स्टेट के सैनिक स्कूल में देखिए कि क्या कट ऑफ रहा है, समझ रहे हैं। ऐसे अदर स्टेट में आपको सभी सैनिक स्कूल का कट ऑफ जो है वो देखना चाहिए। और ये कोई इतना कठिन चीज नहीं है, दैट नॉट कॉम्प्लिकेटेड एट ऑल। यहाँ पे स्टूडेंट क्या है कि स्कूल बदल दीजिए, सैनिक स्कूल अंबिकापुर कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या है, अदर स्टेट में यहाँ पे देखिए कि अदर स्टेट में क्या कट ऑफ रहा है, यहाँ पे सर्च कर दीजिए। बस ये आपके सामने देखो अदर स्टेट में कट ऑफ खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए बिहार का बच्चा सैनिक स्कूल अंबिकापुर में इसका सिलेक्शन हुआ है और ये बच्चा है जनरल कैटेगरी का, 270 नंबर लाके इसके यहाँ सिलेक्शन हो गया है। और वहीं आप समझ रहे हैं कि बिहार के जो खुद के सैनिक स्कूल है, जैसे सैनिक स्कूल नालंदा है, सैनिक स्कूल गोपालगंज है, यहाँ पे कट ऑफ आप सभी को पता है काफी ज्यादा है। अभी भी लगभग 274 के ऊपर ही है कट ऑफ, लेकिन यहाँ पे 270 नंबर लाके ये बच्चे को सैनिक स्कूल अंबिकापुर मिल गया है, बिहार का बच्चा। लेकिन यहीं पे स्टूडेंट झारखंड देखिए, ओबीसी का बच्चा 256 लाके यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है। यहीं पे मध्य प्रदेश का एससी का बच्चा जो है केवल 249 नंबर लाके सेलेक्ट हो गया। तो देखिए इस तरीके से सैनिक जिसके ऑल इंडिया रैंक थी 6484, समझ रहे, 6484 टोटल वैकेंसी से मुश्किल से 8000 है, 8000 से भी कमी है। लेकिन फिर भी देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हैं कि ये बच्चे की जो रैंकिंग थी, ये आंध्र प्रदेश का बच्चा था जिसकी रैंकिंग 10938 है, लेकिन फिर भी इसको यहाँ पे बेटा जो है सिलेक्शन हो गया है 238 नंबर लाके। बच्चा एससी कैटेगरी का है, सैनिक स्कूल अंबिकापुर में। तो ये चीजें आपको देखनी है बाकी बारीकी के साथ में, काफी गहराई के साथ में, और ये पूरा डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये तेलंगाना का बच्चा है, ये बच्ची है, लड़की है, जो 227 नंबर मात्र लाई है और इसका सिलेक्शन हो गया है सैनिक स्कूल अंबिकापुर में। तो तेलंगाना के बच्चे का तेलंगाना स्टेट के बच्चों से ही कंपटीशन है, ये पॉइंट यहाँ पे जानी है। अब इस एससी एसटी कैटेगरी के बच्चों को देखते हुए कहते कि हमारा एसटी कैटेगरी का बिहार का बच्चा है जो कि बहुत अच्छे उसके नंबर है, 250 नंबर है, फिर भी नहीं हुआ। लेकिन ये कैसे हो गया तेलंगाना, तेलंगाना के बच्चे का, तेलंगाना के जो बच्चे हैं उन्हीं से है कंपटीशन और आपका अपने स्टेट के बच्चों से ही कंपटीशन है। तो ये पॉइंट यहाँ पे जानते चलिए। इसी तरीके से सैनिक स्कूल अंबिकापुर का होम स्टेट में कितना कट ऑफ रहा है, तो यहाँ पे सीधा आप जो है एक स्टेप ऊपर जाएं और यहाँ पे होम स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे सर्च कर दीजिए, होम स्टेट पे कट ऑफ आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर में क्या कट ऑफ रहा है। ओबीसी का देखिए 227 नंबर पे सिलेक्शन हो गया है, एससी का देखिए यहाँ पे 202 नंबर लाके यहाँ पे सिलेक्शन हो गया, लड़की 215 नंबर लाके यहाँ पे सेलेक्ट हुई है और ये बच्ची कहाँ की है, छत्तीसगढ़ की है। होम स्टेट अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी 232 नंबर पे यहाँ पे जो है बच्चा सिलेक्ट हुआ है, 213,292 यहाँ पे केवल जो है ये रैंकिंग थी 13,292। अब आप पूछ रहे हैं कि बच्चे की रैंक ऑल इंडिया 13,292 है, 13,292 है तो क्या बच्चे का सिलेक्शन होगा, बिल्कुल पॉसिबल, देखिए हो रहा है। तो ये चीजें हैं यहाँ पे आपको समझना चाहिए, इस पॉइंट को आपको जो है वो देखना चाहिए। इसी तरीके से आप जो है नेक्स्ट सैनिक स्कूल यहाँ पे चूज कर लेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट सैनिक स्कूल चूज कर लेंगे। इस तरीके से सैनिक स्कूल सुजनपुर तीरा जो कि हिमाचल प्रदेश में होम स्टेट में, यहाँ पे अगर आपको देखना है तो होम स्टेट इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए। सुजनपुर तीरा में देखिए यहाँ पे एक बच्ची जिसका सिलेक्शन हुआ एसटी कैटेगरी की, 214 नंबर लाके इसका सिलेक्शन हो गया है। ऑल इंडिया रैंकिंग इसकी कितनी थी, 22,112, लेकिन फिर भी इसको सिलेक्शन हुआ है सैनिक स्कूल सुजनपुर तीरा में जो कि हिमाचल प्रदेश में। यहीं पे जनरल का जो कट ऑफ है वो 250 है, 6,304 यहाँ पे ऑल इंडिया रैंकिंग थी। यहीं पे होम ओबीसी में देखिए बच्चे की रैंकिंग काफी ज्यादा थी, यहाँ पे देख रहे हैं ना 26,117 और 206 नंबर लाके बच्चा यहाँ सेलेक्ट हुआ है। अदर स्टेट में भी स्टूडेंट इसी तरीके से आपको देखना है कि अदर स्टेट में यहाँ पे क्या कट ऑफ रहा है, यहाँ पे सर्च कर दीजिए। अब अदर स्टेट का कट ऑफ आपके सामने यहाँ पे खुल जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, स्क्रीन शॉट आप चाहो तो इसका ले सकते हो, अदरवाइज दैट इज सिंपल, आप यहाँ पे जाइए। आज स्क्रीन शॉट लेने जरूरत नहीं है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसिलिंग के बोर्डर पे जाइए, ये पूरी जानकारी एकदम रेडली अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है, जस्ट फिंगर टिप अवे फ्रॉम यू। हाँ, सही से आपको इसका यूज करना है। जैसे बिहार अनरिजर्व जो जनरल कैटेगरी का बच्चा है 272 नंबर लाके इसका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, कहाँ पे, सुजनपुर तीरा की बात है।
अब सुजनपुर 13 की स्टूडेंट ये हिमाचल प्रदेश में है, 272 नंबर बिहार का बच्चा लाके जो कि जनरल का है, लेकिन खुद के स्टेट में यहाँ पे इतना कट ऑफ नहीं है, ज्यादा कट ऑफ है। यहीं पे स्टूडेंट आगे देखिए, ये कर्नाटक का बच्चा है, अदर स्टेट एससी कैटेगरी में 238 नंबर लाके इसका सिलेक्शन हुआ है। मध्य प्रदेश का बच्चा है जो कि ओबीसी कैटेगरी का है, 256 लाके इसका यहाँ पे सिलेक्शन हो गया। यहीं पे स्टूडेंट जो है राजस्थान ओबीसी का बच्चा है, 258 नंबर लाके इसका सिलेक्शन हुआ है। ये लड़की भी सिलेक्ट हुई है राजस्थान की, 262 नंबर लाके। इसी तरीके से उत्तराखंड के बच्चे हैं, अदर एसटी अदर अनरिजर्व, तो देख सकते हो 237। यहाँ पे देखिए सबसे कम बच्चे के मार्क्स थे 237, जो कि ये बच्चा था आपका उत्तराखंड का, और ये है एसटी कैटेगरी का बच्चा, समझ रहे हैं। इस तरीके से आपको कट ऑफ को हर स्कूल का देखना है। यहीं पे थोड़ा सा आप फिर से ऊपर जाइए और यहाँ पे जो है सैनिक स्कूल नेक्स्ट चूज कर लीजिए, यहाँ कुंजपुरा। कुंजपुरा में जो है अदर स्टेट में क्या कट ऑफ रहा है यहाँ पे देख सकते हैं। कुंजपुरा में देखो स्टूडेंट, अदर ओबीसी का कट ऑफ 266 है, ये लड़की यहाँ पे सिलेक्ट हुई, जबकि 266 नंबर लाके बिहार में इसको सैनिक स्कूल मिलना मुश्किल था। ये ओबीसी कैटेगरी की लड़की है लेकिन यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे देखिए ये आपको मिल गया यहाँ पे कुंजपुरा में, समझ रहे हैं। तो ये चीज है। यहीं पे देखिए स्टूडेंट, बिहार अनरिजर्व बच्चा 274 नंबर लाके यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है। यहीं पे देखिए मध्य प्रदेश एससी का बच्चा है, एससी कैटेगरी का, 252 नंबर लाके यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है। ये नंबर देखिए 235 नंबर लाके बच्चा यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है। ऑल इंडिया 12,167 यहाँ पे रैंक थी लेकिन बच्चा सिलेक्ट हुआ है। और ये बात हम यहाँ पे कर रहे हैं किस बच्चे की, ये बच्चा है उत्तराखंड का अदर एसटी कैटेगरी का, 235 नंबर। तो इस तरीके से आप जो है अदर स्टेट में होम स्टेट में सभी 33 सैनिक स्कूल का कट ऑफ देखें और यहाँ पे अपनी कैटेगरी का कट ऑफ देखें और अपने स्टेट की वैकेंसीज भी उस स्कूल में देखें। ये बहुत जरूरी है, स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसी को बेटा देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हम जो पॉइंट आपसे कहना चाह रहे हैं वो है स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसीज, स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसीज, ये बेटा बहुत जरूरी है, इसको देखना। फील्ड वैकेंसीज, स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसीज, इसको देखना बहुत जरूरी है। क्यों इसको देखना क्यों जरूरी, जरा लाइट बंद कर देते हैं। यहाँ पे देखना इसको इसलिए जरूरी है कि देखो ऐसा है कि मैक्सिमम किसी भी स्टेट से 25% वैकेंसीज ही भरी जाएंगे पर्टिकुलर सैनिक स्कूल में, मैक्सिमम है ना। तो यहाँ पे अगर ऑलरेडी आपके स्टेट का कोटा उस सैनिक स्कूल में भर चुका है जहां पे ज्यादा वैकेंसीज है आपकी कैटेगरी से, तो भी वो आपके काम का नहीं है। क्यों, वैकेंसीज तो मान लो फॉर एग्जाम्पल आप ओबीसी के बच्चे हैं, ओबीसी के बच्चे किसी सैनिक स्कूल में ओबीसी की वैकेंसी है 5, आप बहुत खुश हो गए 5 वैकेंसी, लेकिन आप रहने वाले थे जिस स्टेट के, उस स्टेट का कोटा तो यहाँ भर चुका है, वो बच्चे वहां जा चुके हैं, 25% कोटा लगभग भर गया, तो बताइए आपके लिए वैकेंसी है नहीं है। तो आपके स्टेट का अगर कोटा भर चुका है, 25% सीट वहां भर चुकी है, तो फिर आपके लिए भले उस आपकी कैटेगरी में सबसे ज्यादा वैकेंसी है लेकिन फिर भी वो सैनिक स्कूल आपके काम का नहीं है। तो ये पॉइंट यहाँ पे जानना है, बहुत जरूरी, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसीलिए स्टूडेंट इन बातों का ध्यान रखें। और आगे चलते हैं, यहाँ पे आगे जानकारी दे देते हैं। इसी तरीके से आपको यहाँ पे क्या देखना है, स्कूल इन्फॉर्मेशन में जाइए, फिर से बता देते हैं, स्कूल इन्फॉर्मेशन में जाइए, स्कूल इन्फॉर्मेशन में जाओ, स्कूल इन्फॉर्मेशन का जो कॉलम है इसमें जाइए। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, सबसे ऊपर सीट मैट्रिक्स आएगी, सीट मैट्रिक्स। अब ये सीट मैट्रिक्स क्या रहने वाली है फॉर द राउंड 4, ये तो हमको 10 तारीख के बाद ही पता लगेगा, क्योंकि 10 तारीख के बाद ही कंफर्म हो पाएगा कि किन किन बच्चों का फाइनली राउंड 3 में सिलेक्शन हुआ है, तब ये सीट मैट्रिक्स होगी रिवाइज। तो सीट मैट्रिक्स से आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में पता लगता है, नंबर ऑफ अवेलेबल वैकेंसीज, अवेलेबल वैकेंसीज के बारे में आपको, अवेलेबल वैकेंसीज, नंबर ऑफ अवेलेबल वैकेंसीज के बारे में बच्चों आपको यहां पता लगता है सीट मैट्रिक्स से। नंबर 2 पे यहां पे स्कूल क्या है, स्कूल वाइज कट ऑफ, स्कूल वाइज कट ऑफ, इसके बारे में अभी हमने आपको बताया कि किस तरीके से स्कूल वाइज कट ऑफ को आपको देखना है, स्कूल वाइज कट ऑफ को किस तरीके से आपको देखना है। हर स्टेट का स्कूल वाइज कट ऑफ देख लीजिए, इससे आपको एक इंसाइट मिलेगा, क्लियर पिक्चर होगी कि कितना कहाँ पे कट ऑफ रहा है, आपके कैटेगरी में किस स्कूल में कितना कट ऑफ रहा है। तो ये होम स्टेट, अदर, अब अदर स्टेट में देखिए, अगर दूसरे स्टेट में देख रहे हैं, अपने स्टेट में होम स्टेट भी देखिए, अपने स्टेट में जहाँ के आप डोमिसाइल है तो वहां पे आपको होम स्टेट में देखना पड़ेगा। तो ये चीज है। नंबर 3 पे स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसीज, स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसीज, हमें इस चीज को काफी गहराई के साथ में देखना है। एक पर्टिकुलर स्टेट से यहाँ पे देखिए ऐसा है
किसी भी पर्टिकुलर स्टेट से, जो है 25% वैकेंसीज ही भरी जाएंगी, 25% वैकेंसीज, 25% वैकेंसीज एक पर्टिकुलर स्टेट से भरी जाएंगी। तो ये पॉइंट यहाँ पे जानते चलिए, समझते चलिए, तो आपको स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसीज को बहुत अच्छे से देखना, ठीक है ना। तो ये काम आपको खुद ही करने हैं, तभी जाके यहाँ पे बात बनेगी। इसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि देखो भाई, मेडिकल जो है, मेडिकल भी काफी जो है वो टफ होता जा रहा है, मेडिकल जो एग्जामिनेशन है ये भी टफ होता जा रहा है। और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, कलर ब्लाइंडनेस है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है, तो यहाँ पे थोड़ा हो पाना मुश्किल है। हाँ बिल्कुल, आपको यहाँ पे अपील का मौका दिया जाता है, आप अपील कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड में अगर आप यहाँ पे फेल हो जाते हैं तो यहाँ पे अपील आप कर सकते हैं, ये मौका आपको दिया जाता है। दूसरी यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है कि बिल्कुल आप जो है पार्टिसिपेशन आपका जरूरी है, पार्टिसिपेशन जरूरी है, पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। पार्टिसिपेट आप करिए, होना ना होना ये आपके हाथ में है ही नहीं, पार्टिसिपेट करिए और अच्छे से करिए। मतलब यहाँ सूझबूझ के साथ में पार्टिसिपेशन करिए, है ना। मतलब सूझबूझ के साथ में सभी चीजें गहराई के साथ में बारीकी से अध्ययन करके उसको देख के तभी आगे बढ़िए, है ना। केवल पार्टिसिपेट नहीं करना है बल्कि सारी चीजों को बहुत ही गहराई के साथ में यहाँ पे देखना है। ठीक है, काफी गहराई के साथ में देखना। इसके बाद में स्टूडेंट क्या है, इसके बाद में नंबर तीन पे यहाँ पे जो बात सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सारी चीजें प्रॉपर देखें। और यहाँ पे डिस्टेंस कोई बैरियर नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा आपको, अगर दूर आपको सैनिक स्कूल मिल रहा है, सैनिक स्कूल लगभग सभी एक जैसे हैं, तो यहाँ पे कोई गवर्नमेंट सैनिक स्कूल अगर आपको मिल रहा है और आप अफोर्ड कर सकते हैं, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो आप ये बात समझ के चलिए कि तुम्हें अगर मिलना है बच्चे से तो काफी लंबा समय, 3 से 4 दिनों को समय लेके तब आपको जाना पड़ेगा। अगर नॉर्थ ईस्ट में किसी भी स्टेट को अगर आपने चूज कर लिया है तो ये सभी चीजें यहाँ पे याद रखते चलिए। वैसे डिस्टेंस कोई मेजर इशू नहीं होना चाहिए, हाँ बच्चे को थोड़ा एक्लिमेटाइज होने में समय तो लगता है, अगर नई जगह जा रहा है, थोड़ा काफी डिस्टेंस है तो फिर थोड़ा एक्लिमेटाइज होने में समय लगेगा। यहाँ पे फॉर मोर इंफॉर्मेशन अब आपको बताना चाहेंगे, फॉर मोर इंफॉर्मेशन अधिक जानकारी के लिए, फॉर मोर इंफॉर्मेशन ये हमारा इंक्वायरी नंबर है 9473701303, इसको डायल करके फर्दर जानकारी ले सकते हैं, किसी प्रकार की कोई भी जानकारी है। अभी भी बेटा जो है प्रतिज्ञा बेस जो है ये हमारा बिल्कुल चल रहा है, इसमें आप लोग अपने एनरोल करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रतिज्ञा बेच जो है ये हमने उन बच्चों के लिए स्टार्ट किया है जिनके इस बार सैनिक स्कूल में 180 प्लस नंबर थे, 180 से ज्यादा नंबर थे। वो बच्चे जिन्होंने मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा स्कोर किया, जिन बच्चों ने मैथमेटिक्स में काफी अच्छा स्कोर किया है और रीजनिंग यानी इंटेलिजेंस में काफी अच्छा स्कोर किया है, ऐसे बच्चों को हम इन्वाइट करेंगे। आप बिल्कुल आ सकते हैं और हम आपको प्रिपेयर करेंगे फॉर आरएमएस, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। इसके लिए हम आपको बिल्कुल तैयार करेंगे यहीं पे AISSE मतलब ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हम आपको बिल्कुल तैयार करेंगे। वो सिलेबस जो भी रिक्वायर्ड है, जिसको कवर किया जाना चाहिए, उसको काफी गहराई के साथ में कवर करेंगे। साथ ही साथ स्टूडेंट यहाँ पे जो है आरआईएमसी पे हमारा विशेष फोकस है, आरआईएमसी पे, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज यानी आरआईएमसी पे विशेष फोकस है, खास करके वो बच्चे जिन्होंने मैथ में बहुत बढ़िया किया है। और यहीं पे स्टूडेंट लास्ट में जो है यूपी सैनिक स्कूल ओनली द रेजिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश यूपी सैनिक स्कूल, तो यहाँ पे इसके लिए हम आपको तैयार करने वाले हैं। तो इतने कोर्सेस हम कवर कर रहे हैं प्रतिज्ञा बैच में। यहाँ पे बेटा एनुअल फीस है, ये जो हमारा प्रतिज्ञा बैच है इसका ड्यूरेशन क्या है, मतलब इसकी अवधि क्या है, कितने लंबे समय तक जो है ये हमारा सिलेबस जो पर्टिकुलर कोर्स है ये चलता रहेगा, तो इसकी ड्यूरेशन है 1.5 ईयर मतलब 1.5 साल का बेटा इसकी वैलिडिटी है प्रतिज्ञा बैच की। और फी क्या ले रहे हैं, तो इसकी फी काफी कम है, इसकी फी है 14,000 ओनली, तो 14,000 बेटा इसकी फी। हॉस्टल फीस अलग है यानी उत्तर प्रदेश से अगर बाहर से आ रहे हैं तो इसके लिए हॉस्टल फीस बेटा आपको देनी होगी जो कि अलग से है।
तो ये सभी फैसिलिटीज हैं। तो आई होप कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, चीजें एकदम क्लियर हुई होंगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो, चीजें क्लियर हो, तो एक बार सेशन को लाइक जरूर करें, शेयर कर दें, जिससे अदर बच्चे भी जुड़े। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।